गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम पी एल नारेडा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर फैक्ट्री में काम करने वाले चिमनी साफ करने वाले बच्चों पर यह लेख लिखा गया है चार्स लेम का लिखा गया ये लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आर पी सी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड और साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर चिमनी स्वीपर स्वीप मतलब साफ करने वाला और चिमनी फैक्ट्री के ऊपर जो चिमनी लगी रहती है वो चिमनी यहाँ पर हमें चार्ल्सलेम बता रहा है चार्सलेम जो कि 1777 में पैदा हुए और 1834 में वो चल बसे उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम पढ़ लेते हैं चार्ल्स स्लेम वॉज बॉर्न इन लंदन चार्ल्सिम लंदन में पैदा हुए थे ही वॉज स्टडीड एट इन क्रिस्ट हॉस्पिटल उनका जो कॉलेज का नाम था वो क्रिस्ट हॉस्पिटल था ही वॉज ए कलर्क इन द ऑफिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर थर्टी फाइव ईयर्स चार्ल्स लेम ने अपनी पैतीस साल की सेवा ईस्ट इंडिया कंपनी की ही इज नॉन फॉर इसे ऑफ इलिया चार्ल्स लेम जो है एसेज ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं यानी चार्ल्स लेम ने एसेज लिखे हैं वो इलिया के नाम से जाने जाते हैं और एसेज ऑफ इलिया का जब नाम आता है तो चार्ल्स लेम हमारे सामने आ जाते हैं वर पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन एसेज ऑफ इलिया में जो लेख छपते थे वो लंदन मैगजीन में छपते थे ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ वर्जवर्थ एंड रॉबर्ट सदे चार्ल्स लेम वर्जवर्थ और रॉबर्ट सदे के अच्छे खासे मित्र थे द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ इंग्लिस एसिस्ट इज कॉल्ड लेम चार्ल्स लेम के लिए कहा जाता है कि वो जो है बहुत ही डिलाइटफुल है द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ इंग्लिश एसिस्ट इंग्लिश एसिस्ट जितने भी हैं इंग्लिश में जितने भी निबंधकार हुए उन सब में डिलाइटफुल चार्ल्सैम को माना जाता है ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ एसिस्ट उसको निबंधकारों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है प्रिंस ऑफ एसइस्ट यह किसने दी ह्यू वॉकर ह्यू वॉकर एक आलोचक हुए हैं उन्होंने चार्ल्स लेम को प्रिंस ऑफ एसइट कहा चार्ल्स लेम रिमेन बैचलर ड्यू टू हिज एल्डर सिस्टर मेरी मैरीज इनसेनिटी चार्ल्स लेम की एक बड़ी बहन थी मैरी जिसका नाम था और वो इंसैन थी यानी वो दिमाग से पागल थी उसकी केयर करने के लिए चार्ल्स लेम पूरी जिंदगी कुंवरे रहे टेल्स प्रोम शेक्सपियर ही रोट विद मेरी चार्ल्स लेम के साथ मिलकर के उन्होंने टेल्स प्रोम शेक्सपियर लिखा यानि कुछ बातें चार्ल्स मेरी ने सजेस्ट करी हि सिस्टर लिव्ड थर्टीन ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लेम चार्ल्स लेम की मौत के बाद भी उसकी जो इंसेन बहन थी वो इंसेन बाद में हुई थी तो वो जो इंसेन सिस्टर थी वो तेरह साल तक जिंदा रही हिज एसीज आर प्योरली पर्सनल ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड बट एम्ब्यूड विद टेंडरनेस एंड सिंपथी अब हम यहाँ चार्ल्स लेम की एसेस की स्टाइल की बात कर रहे हैं चार्ल्स लेम के ऐसे पर्सनल होते हैं व्यक्तिगत होते हैं ह्यूमरस होते हैं ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक वाले होते हैं एंड लाइट हार्टेड और वे लाइट हार्टेड होते हैं यानी हंसी मजाक में लिखे गए लेकिन बट इम्ब्यूड इम्ब्यूड मतलब भरे हुए रहते हैं विथ टेंडरनेस एंड सिंपथी टेंडरनेस कोमलता उनमें रहती है और सिंपथी सहानुभूति भी उनमें भरी रहती है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर वॉज पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू चार्ल्स लेम का जो लेख है चिमनी की सफाई करने वाले बच्चों की प्रशंसा में यह लंदन मैगजीन में 1822 में पब्लिश हुआ द द लॉरेल इट वॉज द टॉस्ट ऑफ द पार्टी चार्ल्स लेम ने जो लेख लिखा इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर उसमें बच्चों की एक पार्टी आयोजित की जाती है और उस बच्चों की पार्टी का जो टॉस्ट था वो क्या था मई द ब्रश सुपर सेट द लोरेल यानी लोरेल से भी बढ़कर ये बच्चों के हाथ का जो ब्रश है वो होगा चिमनी साफ़ करने का जो ब्रश है ये लोरेल से भी ज़्यादा अच्छा होगा ये उस पार्टी का टॉस्ट था जब हम कोई पार्टी करते हैं तो उसमें कोई एक वाक्य होता है तो वो बोलना होता है या उसको हम मोटो कर सकते हैं तो वो टॉस्ट कहलाता है पार्टी का तो यहाँ पर जो पार्टी हो रही थी उसका टॉस्ट यही था मै द ब्रश सुपर सेट द लोरेल रीडर्स इफ द मीट वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री इन द अर्ली रैम्बल्स इट इज गुड टू गिव हिम अ पेनी चार्ल्स लेम इस लेख में कहते हैं कि रीडर्स पाठकों पाठकों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं इफ दे मीट वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री अगर आपको ये चिमनी साफ करने वाले बच्चों में से कोई भी एक मिल जाए अर्ली रैम्बल्स सुबह सुबह अगर ये मिल जाए इट इज गुड टू गिव ही मे पेनी तो आप उनको एक दो पैसा जरूर दे दीजिएगा पेनी मतलब एक आ, जो पैसा होता है उसका छोटा रूप होता है पेनी जैसे रुपया फिर पैसा ऐसे ही डॉलर उसमें पेनी होता है लेम यूज कॉर्ट्स फ्रॉम कॉमस सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी फोर मॉस्क्यू प्ले एंड पेराडाइज लॉस्ट सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन मिल्टन इस लेख में चार्ल्स लेम ने इन दो बुक्स से कोट लिए हैं एक क्यूमस है उसकी रचना मॉस्क्यो प्ले है ये दूसरा पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन की रचना है मिल्टन की रचना है कॉमस और पैराडाइज लॉस्ट इन दोनों रचनाओं में से चार्ल्स लेम ने कोट लिए हैं ही स्टोल इज स्टाइल फ्रॉम एलिजाबेथन पोइट्स चार्ल्स लेम की जो स्टाइल है वो एलिजाबेथन कवियों से ली गई है ऐसा माना जाता है कि उसने चार्ल्स लेम ने एलिजाबेथन कवियों से उसकी स्टाइल चुराई है ही यूज डी फॉयलेशन एंड लिटिन ऑल्सो डी का मतलब होता है कॉइन न्यू वर्ड्स चार्ल्स लेम जो है नए नए शब्दों का आविष्कार करता है जैसे स्प्रंग रिदम और स्प्रिंग रिदम के लिए हॉपकिंस को जाना जाता है ठीक उसी तरह से चार्ल्स लेम नई नई शब्दों का आविष्कार करता है द राइटर्स लाइक स्मॉल चिमनी स्वीपर्स हु क्लीन चिमनीस फॉर द फर्स्ट टाइम देखिए लेखक ने लिखा है कि राइटर लाइक्स चिमनी स्वीपर हु क्लीन चिमनीस फॉर द फर्स्ट टाइम लेखक को यानी चार्ल्स लेम को वे चिमनी साफ़ करने वाले बहुत पसंद आते हैं जो पहली बार चिमनी साफ करते हैं उनको अनुभव नहीं होता है कि कैसे चिमनी साफ करते हैं तो उनके हाथ में जो काला रहता है वो कभी उनके मुंह पे लग जाता है कभी नाक पे लग जाता है कभी कान पे लग जाता है और जब इन फर्स्ट टाइम चिमनी स्वीपर को लेम देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है उनकी उस भोलेपन पे द स्वीप इज कंपेर्ड टू द पीप ऑफ लिटिल स्पेरो और लार्क चिमनी साफ करते समय जो स्वीप की आवाज आती है उस स्वीप की आवाज को लिटिल स्पेरो लार्क की पीप से उसकी तुलना की गई है चिमनीज आर कंपेयर्ड टू द पलपिट्स और जो चिमनीज है उनकी तुलना पल्पिट्स से की गई है चिल्ड्रन वर्क इन द विंटर ऑफ डिसंबर ये जो बच्चे हैं ये चिमनी साफ करने वाले बच्चे हैं ये दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी चिमनी साफ करते हैं द राइटर एंजॉय इट वेन ही सीज द चिल्ड्रन रिटर्निंग आफ्टर देयर वर्क ऑफ स्वीपिंग जब चिमनी साफ करके लूटते हुए बच्चों को लेम देखता है तो उसको बड़ी खुशी होती है उसको एन्जॉय होता है वन टेस्टर इज इक्वल टू सिक्स पैंस इस लेम के लेख में एक टेस्टर शब्द आया तो टेक्स्टर का मतलब होता है सिक्स पेंस यानी सिक्स पेंस मुद्रा के बराबर एक टेक्स्टर होता है जिसे हम यूं कह सकते हैं चार आना ये पुराना शब्द है चार आना मतलब ट्वेंटी फाइव पैसे को चार आना कहते थे पहले ऐसे ही एक टेस्टर बराबर सिक्स पेंस मिस्टर रीड इज शॉपकीपर ऑफ ससाफ्रे चार्ल्स लेम एक दुकान देखता है ससाफ्रे जहां पर बेचा जाता है और उस ससाफ्रे एक पेय होता है उस पेय को ये चिमनी स्वीपर बहुत चाव से पीते हैं उसको बेचने वाले मिस्टर रीड है हिज शॉप इज सिचुएटेड इन फ्लीट स्ट्रीट इन साउथ नियर ब्रिज स्ट्रीट और मिस्टर रीड की जो शॉप है वह फ्लीट स्ट्रीट में साउथ में स्थित है नियर ब्रिज स्ट्रीट यानी ब्रिज स्ट्रीट के पास साउथ जो गली है वहाँ पे फ्लीट स्ट्रीट में उनकी दुकान है टॉस्ट वाज गिविन ऑन द नेम ऑफ द किंग एंड स्पेशल क्लॉथ्स ऑफ द चिमनी स्वीपर्स उस पार्टी का जो टॉस्ट था यानी जो चार्ल्स के साथ जो पार्टी करता है नेम ऑफ किंग वो राजा के नाम पर दिया गया एंड स्पेशल क्लॉथ्स ऑफ द चिमनी स्वीपर्स और चिमनी स्वीपर्स के जो कपड़े थे जो काले हो रहे थे चिमनी साफ करते उनके नाम पे दिया गया सफ्राइज स्पेशल ड्रिंक ऑफ़ द चिमनी स्वीपर्स चिमनी स्वीपर्स को ससाफ्राई जो पेय था वो बहुत अच्छा लगता था जैसे मजदूर काम करके आता है तो वो चाय मांगता है ऐसे ही चिमनी स्वीपर्स वर कम्पेयर टू द केट विद ए हाई स्मेल चिमनी स्वीपर्स की तुलना एक बहुत ही तीव्र सूंघने वाली क्षमता वाली बिल्ली से की गई है क्योंकि वो चिमनी स्वीपर्स जब उधर से गुजरते हैं तो उन्हें ससाफ्राई की जो पेय है उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है एट मिड नाइट चिमनी स्वीपर्स गो टू देयर वर्क एंड दे आर एबल टू पुश द ड्रंकर्ड हु मीट देम ऑन द वे जब रात में चिमनी साफ करने वाले उनके काम पे जाते हैं और उस समय शराबी जो है शराब पी करके वापस अपने घरों को लौटते हैं यानी एक तरफ तो बच्चे चिमनी साफ करने वाले अपने काम पे जा रहे हैं दूसरी तरफ शराबी जो शराब पी करके घर लौट आ रहे हैं जब रास्ते में ऐसे शराबे मिलते हैं तो वो बच्चे उनको धक्का मारते हुए निकल जाते हैं ड्रंकर्ड हेड्स ससाफ्रे सफ्रे पे जो चिमनी स्वीपर का बहुत ही पसंदीदा पे है उसको ड्रंकर्ड जो है उस ससाफ्रा की स्मेल उनको बहुत बुरी लगती है हर वेमेन प्रपेर ससाफ्रे हर वेमेन जो है हर वेमेन वो भी ससाफ्रे पे तैयार करती है जेंटलमैन गिव मी लीव टू परपज सो एंड सो जेम्स वाइट जेम्स वाइट उस पार्टी में एक मेंबर है तो वो क्या कहता है जेंटलमैन गिव मी लिव टू सो सो एंड जेंटलमैन मुझे छुट्टी दे दो मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ बच्चों के लिए ऐसा काम और भी करना चाहता हूँ गोइंग टू चीप साइड एंड फेल डाउन एक बार लेखक जो है एक साइड पे जा रहा था और वो गिर जाता है टू सी दिस चिमनी स्वीपर लॉपड एंड ही वॉज कंपेर्ड टू होगार्थ उस समय लेम जब गिर जाता है तो चिमनी साफ करने वाला कोई बच्चा है जो उसको देख रहा है और जब वो बच्चा देख रहा है कि वो गिर गए तो बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है और उसकी हंसी इस तरह से खूबसूरत थी कि उसकी तुलना होगार्थ से की गई है इन दी चिल्ड्रन लर्क गुड ब्लड दे आर हाई बोर्न बट देर फैमिली जन नॉन ये जो बच्चे हैं ये जो चिमनी साफ करने वाले बच्चे हैं इनकी रगों में गुड ब्लड दौड़ रहा है लेकिन इनकी परिवार का पता नहीं है स्वीपर इन नामक जगह पर एक चिमनी साफ करने वाला बच्चा पाया गया जेम्स वाइट ऑफर एट बोम्यू फॉर द चिमनी स्वीपर्स जेम्स वाइट जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले उसने चिमनी स्वीपर्स के लिए बार्थोलोम्यू नामक जगह पर एक पार्टी की वंस एन एल्डरली चिमनी स्वीपर अटेंडेड अ वेडिंग पार्टी लेकिन उस बच्चों की पार्टी में एक बड़ा चिमनी साफ करने वाला आ गया क्योंकि हमें पता है चार्ल्स लेम जो है वह चिमनी स्वीपर जो बच्चे हैं उनकी प्रशंसा में लेख लिखता है तो ऐसे ही कोई अनजाने में बड़ा चिमनी साफ करने वाला भी वहाँ पे आ पहुँचता है The place of the party was convenient spot among pens at the north side of the fair. वहाँ पे एक मेला भी चल रहा था तो उसके north side में जो जगह थी उसके लिए party की जगह decide की गई All the guests were present on सेवन o'clock. क्लॉक जितने भी गेस्ट बुलाए गए गे थे यानी जितने भी बच्चे चिमनी साफ करने वाले वहाँ पर बुलाए गए थे वो सब सात बजे प्रजेंट हो गए टेबल्स वर कवर्ड विद नेप्री और जो टेबल्स वहां पे सजाई गई थी चिपनी स्वीपर्स के लिए वो नेप्री से ढके हुए थे मैज पोस्ट से ढके हुए थे द मेन वेटर वॉज जेम्स वाइट एंड द सेकेंड वॉज द राइटर एंड इज फ्रेंड जॉन फैनविक बी गॉड वहाँ पे तीन हॉस्ट थे एक तो जेम्स वाइट दूसरा लेखक चार्ल्स लेम और तीसरा उसका मित्र जिसका नाम जॉन फैनविक बी गॉड था जेम्स वाइट ऑफर ए लाइट बियर फॉर द लिटिल चिमनी स्वीपर्स चूँकि विदेशों में बियर और शराब पीना एक कॉमन चीज है इसीलिए चिमनी स्वीपर्स जो बच्चे हैं उनके लिए जेम्स ने हल्की बियर की व्यवस्था कर रखी थी कजिन ब्रिगेट नरेट्स अबाउट लेम्स सिस्टर कजिन ब्रिगेट्स एक व्यक्ति जो कि चार्ल्स लेम की, की बहन के बारे में हमें बताता है चिमनी स्वीपर्स वर् कैटेगराइज इज मास्टर स्वीपर यंग फ्राई एंड स्ट्रिपलिंग चिमनी स्वीपर्स की कैटेगरी यहाँ पे चार्ल्स लेम हमें बताता है उनको तीन कैटेगरी में उसने रखा मास्टर स्वीपर जो एक्सपर्ट है यंग फ्राई जो उससे छोटे एंड स्ट्रिपलिंग जो अनाडी है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है अरुणुल कासल इज इन ससेक्स अरुणुल कासल नामक जगह जग जग जो है वो ससेक्स पे है इट इज दीट ऑफ होवार्ड रॉयल फैमिली ये रॉयल फैमिली की सीट है द डे ऑफ द पार्टी वॉज सेंट डे उस पार्टी का जो दिन था वो कौन सा दिन था सेंट डे चार्ल्स लेम कॉल्स चिल्ड्रन क्लर्जी इम्प एफ्रीकन ऑफ द ग्रोथ स्मॉल जेंट्री यंग रोग चार्ल्स लेम प्यार से उन बच्चों को तरह तरह के नाम देता है जैसे कि क्लर्जी इम्प्स अफ्रीकन ऑफ द ऑफ वोवन ग्रोथ स्मॉल जेंट्री यंग रोग्यू इस तरह से चार्ल्स लेम उनको नाम देता है तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के बारे में ये आपके लिए कैसे लगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए थैंक यू